तो आज की जर्नी स्पेशल तो नहीं, पर एक सीख देने वाली जर्नी है। जो गलती मैंने की वो आपसे ना हो, इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। तो आज की जर्नी होने वाली है अजीमाबाद एक्सप्रेस में। जर्नी की शुरुआत होती है सुबह सुबह कोटा जंक्शन से, फिर पहुंचते हैं सवाई माधोपुर, जहां की भजिया वाकई लाजवाब थी, और आखिर में बयाना जंक्शन होते हुए पहुंच गए आगरा फोर्ट, जहां से निकलते ही ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना मैंने चंद मिनट पहले की थी। तो वो घटना क्या थी, देखने के लिए पूरा व्लॉग ज़रूर से देखिएगा। चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो सुबह करीब 5:40 का वक्त हो चुका है, और फिलहाल मैं अभी कोटा स्टेशन के ठीक बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ लगभग सारी जो शॉप्स हैं अभी तो बंद है, जाहिर सी बात है अर्ली मॉर्निंग है तो सब बंद ही हुआ। बाकी कुछ चाय की दुकानें जो है ना वो मेरे को खुली हुई दिख रही हैं। तो एक काम करते हैं, अपनी ट्रेन को भी आने में करीब 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तब तक एक चाय जो है ना वो पी लेते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर चाय जो है वो शायद अच्छी ना मिले, तो कम से कम बाहर चाय जो है वो पी के अपनी जर्नी जो है वो शुरू की जाए। तो इसे कहते हैं चाय, मतलब असली चाय जो होती है वो यही होती है। स्टेशन के अंदर सिर्फ पानी मिलती है, गर्म पानी मिलता है। और कोटा स्टेशन का जो एंट्री गेट है वो कुछ ऐसा है, और यहीं से एंट्री करते हैं। वो काफ़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो फिर वक्त हो चुका है करीब 6:15, और नहीं, हमारी ट्रेन के आने का वक्त नहीं हुआ है, बल्कि इस कोटा जनशताब्दी के यहाँ से डिपार्चर लेने का समय जो है वो आ चुका है। तो कोटा जनशताब्दी के जाने के तुरंत बाद हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो जाता है, और अब जर्नी करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारी ट्रेन का कोटा पहुंचने का सही समय था 6:25, पर ट्रेन 5 मिनट लेट जो है वो आई है यहाँ पे। उसमें बिल्कुल लाइटिंग नहीं है अभी, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ट्रेन 5 मिनट लेट आई थी, और डिपार्चर कोटा से भी 5 मिनट लेट हो रहा है इसका। और ये जो आप लाइन दिख रहे हैं ना, ये कोटा को बाईपास करके सीधा गुना की तरफ निकल जाती है लाइन ये, और ये जो गुड ट्रेन है उधर ही जा रही है। तो बस कुछ ही देर में हम सवाई माधोपुर जो है वो पहुंच जाएंगे, पर उससे पहले जो इंद्रगढ़ सुबीरगंज मंडी जो है ना वो हम स्किप करेंगे। जब हम पटना कोटा से आए थे तो वो ट्रेन जो थी वो उस स्टेशन पे रुकी थी, लेकिन ये ट्रेन यानी कि अजीमाबाद जो है वो स्किप करने वाली है स्टेशन को, तो उसका स्किप देखते हैं पहले, उसके बाद फिर सवाई माधोपुर जो अराइवल है वो लेते हैं।
सुबह की जर्नी में ना बस एक चीज़ की दिक्कत होती है, वो ये कि आपको सुबह सुबह उठना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, और इस चक्कर में आप रात में ठीक से सो नहीं पाते हो, और फिर उसके बाद जर्नी के दौरान जो है ना वो नींद आती है। यहाँ बहुत सारी ट्रेनों का जो लोको रिवर्सल है, लोको चेंज है, वो होता है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको जो लोकोमोटिव है वो देखने को मिल जाएंगे। मजी है क्या? मजी है ना, निकालना भैया। नहीं नहीं, पाव ही दो बस। तो ये ले ली मैंने भजिया, जो कि यहाँ की फेमस है, तो इसको रख के आते हैं और चाय फिर लेते हैं। तो ये ले ली मैंने चाय और भजिया, और काफ़ी गर्म है, आपने देखा बिल्कुल गर्मा गर्म जो है वो तैयार हो रही थी। और इस खूबसूरत से शहर को महाराजा माधो सिंह वन ने, जो कि जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने बसाया था। और एक और चीज़ है कि इस पूरे प्रांत में, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी महाराजा लोग थे ना, वो यहाँ पे आते थे हंटिंग के लिए, क्योंकि ये एक हंटिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह थी। और आज के ज़माने में शिकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन उस ज़माने में क्या था ना कि हंटिंग एक तरह का एक औरा था, मतलब एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस थी जो आपको बता दी कि आप कितने बहादुर हो, तो वो चीज़ें होती थी पहले। और एक और चीज़ है कि यहाँ से जो रणथंभौर नेशनल पार्क है बहुत पास में ही है, तो लोग यहाँ पे डिवोट करते हैं ट्रेन को, जिनको रणथंभौर नेशनल पार्क जाना होता है। तो आपको भी अगर रणथंभौर नेशनल पार्क घूमना है तो आप यहाँ पे ट्रेन को डिवोट कर सकते हैं। चलिए, जब तक अपना डिपार्चर होता है तब तक जो भजिया ना उसको टेस्ट कर लेते हैं, और चाय जो कि ठंडी हो जाएगी वो पी लेते हैं। अरे ये दरवाज़ा जो है बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है बंद करने पर। खैर, वाकई में यहाँ की जो भजिया है ना वो ट्राई करने लायक है, आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा। चलिए, अपना डिपार्चर जो है वो सवाई माधोपुर से हो गया, और अभी अभी हमें जो मडगांव राजधानी थी वो ओवरटेक कर गई, और उसके तुरंत ओवरटेक करने के बाद हमारा डिपार्चर जो है वो यहाँ से हो चुका है। और देखो, आपको बहुत सारे जो लोकोमोटिव्स हैं वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अब जो ट्रेन्स होती है उनका लोको चेंज, लोको रिवर्सल जो होता है वो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ कुछ डीजल लोकोमोटिव जो है वो खड़े हैं। तो बयाना में मुझे छोला पूरी जो है बहुत देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर आप चाहो तो ट्राई करें। तो मैं तो ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल हूँ, मतलब सवाई माधोपुर की जो भजिया थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मैंने खा ली थी, तो अब कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। बाकी अगर आपका मन हो तो कभी बयाना की ये जो छोला पूरी है ना वो जरूर ट्राई करना, और अगर आपने ट्राई किया हुआ, अगर आप बयाना के हो तो ज़रूर से बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँगा कि कैसी होती है, लोगों को लेनी चाहिए नहीं चाहिए। खैर, अगर बात करें बयाना की ना, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि
यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है मथुरा की तरफ और एक लाइन जो है वो निकल जाती है आगरा की तरफ। फिलहाल अभी हम जो है वो आगरा फोर्ट की तरफ जाने वाले हैं, तो ये दो चीज़ें हैं जिस कारण से इसको हम जंक्शन जो है वो बोलते हैं। तो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो बयाना से हो चुका है। काफ़ी देर से हम राजस्थान के अंदर थे और अब बस कुछ ही देर में हम यूपी में घुसने वाले हैं, हम यूपी में एंटर करने वाले हैं। नदी आएगी और वो रिवर क्रॉस करते ही हम यूपी में एंटर हो जाएंगे और फाइनली आगरा फोर्ट जो है वो भी कुछ देर में आ जाएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है करीब 11:45 और आगरा बस पहुंच चुके हैं हम। ये आगरा एयरवेज जो है वहां से गुजर रहे हैं अभी हम। ये देखिए ये कुछ अजीब चीज़ लग रही आपको, चलती ट्रेन से नीचे उतरने का ये जो रिस्क है ना, लोग पता नहीं कैसे लेते हैं। बस पहुंचने वाले हैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर, उससे पहले आप ये जो ऊपर लाइन जा रही है ना इसको समझिए, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन जो है ये दिल्ली की लाइन है, मतलब दिल्ली आगरा की जो मेन लाइन है ये वो है जिस पर हमारी गतिमान एक्सप्रेस और जो मेन गाड़ियां जो चलती हैं ये वो ऊपर वाली लाइन है, और नीचे आगरा फोर्ट की तरफ जाने वाली लाइन। ये लाइन सीधा इस तरफ मथुरा की तरफ निकल जाती है और मथुरा से आगे दिल्ली, और फिलहाल हम जो है वो जा रहे हैं आगरा फोर्ट। और अगर बात करें उस तरफ ना, तो अगर इसी लाइन से अगर हम इस तरफ निकल जाएंगे पीछे की तरफ तो वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। फिलहाल अराइवल जो है हमारा हो रहा है आगरा फोर्ट में, और बिल्कुल अपने तय वक्त पे हम आगरा फोर्ट पहुंच रहे हैं। ओहो इतना ज़्यादा यहाँ पे, अच्छा मैं किसी भी स्टेशन पे जब ट्रैवल करता हूँ ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने का जो स्पेशल चीज़ होता है वो मिलती है। बात करें आगरा की तो आगरा में आपको पेठा जो है वो तो मिल ही जाता है आपको, मतलब किसी भी स्टॉल में मिल जाएगा पेठा, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ खाने का सोच रहे हैं ना तो आगरा फोर्ट में या आगरा में बिल्कुल भी कुछ खाने का मत लीजिए स्टेशन के अंदर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा है। सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे दोस्त लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ पर और उन सभी का एक्सपीरियंस जो है वो आगरा फोर्ट में बहुत ही ख़राब रहा है। तो यहाँ आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें कुछ भी खाना पीना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो क्वालिटी होती है वो उतनी सही नहीं होती यहाँ के खाने में। बाकी अगर आप सिटी के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने को, बहुत अच्छी चीज़ें आपको खाने को मिल जाएंगी, लेकिन स्पेशली स्टेशन के अंदर आपको दिक्कत होती है। कौन कौन से पेठे हैं? मैं पेठा देख रहा था, तो ये यहाँ पेठे की जो वैरायटी है वो आपको मिल जाती है, ये नॉर्मल पेठा है और ये शायद से फ्लेवर्ड पेठा जो है केसर कोकोनट पेठा है, केसर पेठा है। और बताओ पानी बगल में है सर, बाजू में हट, ये वाला है सर केसर वाला है, कैसे है ये? अरे बोले खाना गरम गरम खाना बोले 100 रुपए। तो बिल्कुल अपने तय वक्त पे हमारा डिपार्चर जो है वो आगरा फोर्ट से हो चुका है। और ये है आगरा फोर्ट जो कि बिल्कुल स्टेशन के ठीक सामने है।
जैसे ही यमुना ब्रिज पे हम जाएंगे ना, उसके बाद से आपको ताजमहल जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल यमुना नदी के किनारे ये आगरा फोर्ट जो है वो बनाया गया है, और यमुना नदी के उस पार ताजमहल जो है वो आपको देखने को मिलता है। और थोड़ा यहाँ पे सावधानी से रिकॉर्डिंग करनी होती है, क्योंकि चोरियाँ बहुत होती है इस इलाके में। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको पीछे रह कर के ही ताजमहल जो दिखाऊँ, क्योंकि ब्रिज पे हो सकता है कि कुछ लोग खड़े हों। वैसे एक बात बोलूँ तो यमुना की ये दशा देख करके बहुत ही बुरा लगता है कि हमारे देश में जो नदियाँ हैं ना, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब बस देखो कि कितनी ज़्यादा गंदगी है यमुना में। और ये देखो, ये महानुभाव देखो, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। फिलहाल ताजमहल दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि धुंध है, पर मैं आपको एक सेपरेट क्लिप जो है वो दिखा दूंगा कि कैसा ताजमहल दिखता है यहाँ से, तो आप वो क्लिप जो है वो देख सकते। अबे तो यहाँ पे देखा किस तरीके से घात लगा करके ये ब्रिज के पास चोर ऐसे बैठे होते हैं, और जैसे आप अपना फोन कैमरा बाहर निकालते हो ना, ये तुरंत उस पर झपट्टा मारते हैं। देखो किस तरीके से मैं यहाँ बचा हूँ, सिर्फ जो माइक था वो गया मेरा। देखा कि किस तरीके से उस बेवकूफ़ ने फ़ोन जो है वो छीनने की कोशिश की, पर अच्छी बात ये थी कि जैसे ही उसने फ़ोन छीनने की कोशिश की ना, तो पीछे हो गया, मैं उसको देखा उसको, बट जो मेरे फ़ोन में माइक लगा हुआ था वो उसने छीन लिया, बस वो उसके हाथ में आ गया। और बाकी फ़ोन तो मैंने पकड़ा हुआ था, और मैंने ये रिंग केस यूज़ करता हूँ यहाँ पे, कि ऐसे केस में अगर कोई फ़ोन छीनने की कोशिश करे तो शायद जो ग्रिप है वो थोड़ी अच्छी बनी जाए। पर दुख होता है क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं, और आपने देख ही लिया। हाँ, मानता हूँ ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं गेट पे खड़े होकर के आपको ताजमहल जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं कि अगर मतलब होता नहीं, कभी कभी अगर कोई चीज़ दिखाने का बोला तो वो दिखाना ही पड़ता था। वैसे फिर आप लोग बोले कि भाई ताजमहल तो अपने दिखाए नहीं, आपने बोला था। खैर वो चीज़ें तो हो गई, लेकिन आप लोग जब भी ऐसे ट्रैवल करो, अगर आप लोग वीडियो नहीं बना रहे हो तो फालतू में फ़ोन पे बात करते वक्त किसी भी ब्रिज पे, अगर ट्रेन वहाँ से क्रॉल करके निकलती है तो किसी ब्रिज पे गेट ना खोलो अगर स्लो चली तो भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा चांस वहीं होते हैं, क्योंकि ट्रेन स्लो चल रही होती है तो अच्छा सा मौका मिलता है इन स्नैचर्स को, इन चोरों को फ़ोन जो है वो खींचने का। तो इस घटना के बाद कब टुंडला आया, उसके बाद फिर कानपुर आया, पता नहीं चला, क्योंकि उसके बाद से फिर ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और रिकॉर्ड करने का मन जो है वो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग जो है वो बनाया हर जगह। और मैं इस ताक में था कि हमारे बगल में जो DFC चल रही है ना, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, शायद यहाँ पर कोई ट्रेन आ जाए और पैरेलल में हम उसके एकदम चले, तो ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल अभी तक तो कोई ट्रेन हमें मिली नहीं है ऐसे। तो शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और बस हम पहुंचने वाले हैं कानपुर सेंट्रल। वैसे कानपुर सेंट्रल पहुंचने का जो सही समय था वो करीब 6:40 का था, पर ऐसा लग रहा है कि शायद हम बिफोर टाइम जो है वो कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएंगे। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है ग्वालियर बरौनी मेल, जो कि बिल्कुल हमारे पैरेलल में कानपुर सेंट्रल में अराइवल इसका हो रहा है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है करीब
6:35 और हम जो है पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। वैसे भूख तो बहुत लगी है पर कानपुर सेंट्रल में कुछ अच्छा खासा मिलता नहीं है। अंडा चावल, सब्जी रोटी, सब्जी चावल, क्या क्या कैसे भैया? ये चावल रोटी 50 रुपए का, 40 से 60 रुपए। तो यहाँ पे सब्जी रोटी और छोले चावल जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है उन्होंने। और खाने के मामले में मतलब आप देख सकते हो सब चीज़ें यहाँ मिलती है, बाकी यहाँ भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि माइक जो है वो तो आपको पता ही होगा, तो अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ताकि आपको ऑडियो जो है प्रॉपर सुनाई दे। तो यहाँ ब्रेड ऑमलेट जो है वो मिल रहा है यहाँ पे, और रूट पे इतना कुछ मिलता नहीं है ना, मतलब गाड़ी बिफोर टाइम जा रही है, आगरा फोर्ट से यहाँ आने में काफ़ी समय लग गया और कई लोगों ने मतलब कुछ खाया भी नहीं होगा, इसलिए देखो सभी लोग एकदम से टूट पड़े हैं। यहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ खाना ही खाना है। और यहाँ मिल रहे हैं समोसे जो कि मैं टेस्ट कर चुका हूँ पहले भी, कुछ खास नहीं होते। और किसी और ट्रेन ने हॉन्किंग दी और सभी लोग जो है वो भागते हुए अपने कोच में जा रहे हैं। खैर इनको नहीं पता कि ट्रेन हमारे अभी यहाँ काफ़ी देर रुकने वाली है, अभी इसका टाइम नहीं हुआ डिपार्चर का। वापस फिर से लोग आएंगे, देखो एकदम बिल्कुल खाली हो गया, मतलब लोग ऐसे भागे ना लगा कि बस ट्रेन छूटने वाली है। तो फाइनली अपना डिपार्चर जो है वो कानपुर सेंट्रल से भी हो चुका है। और एक चीज़ तो है भाई, और एक चीज़ तो है कि जैसे जैसे हम यूपी में अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे ठंडक जो है वो बढ़ती जा रही है। और सामने ग्वालियर बरौनी मेल जिसको अभी हमने आउटर पे ओवरटेक किया था वो भी आ चुकी है अभी। ये भी बहुत लेट अति चलती है गाड़ी और ठंडियों में तो उसके हाल बहुत बुरे हो जाते हैं। जैसे फ़ोन के पीछे से बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं कैमरा फेस करूँगा तो शायद जो ऑडियो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, आपको कुछ सुनाई देगा। तो फिलहाल 9:25 होने वाले हैं और हम जो है प्रयागराज जंक्शन पहुंचने ही वाले हैं। आनंद विहार जो कि प्रयागराज से निकल चुकी है अभी। और देखो इसी ट्रैक पे ना पीछे एक और गाड़ी जो है वो खड़ी है। आखिरकार पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से लोग जानते थे। और एक चीज़ और है कि जब से माइक गया ना फिर तो आवाज़ आपको ऐसे ही मिल रही होगी, बाबा मैं क्यों उसकी बात करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे, अभी तक उस घटना से मैं उभरा नहीं हूँ क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क था वो। खैर चलिए, यहाँ पहुँचने का टाइम था वो करीब 9:25 का था और बिल्कुल अपने करेक्ट टाइम पर हम यहाँ पहुँचे हैं। और सुबह से करीब 6:30 से हमारी जर्नी जो है चल रही है, करीब 16 घंटे की जर्नी जो है हमने कर ली है। और अब इसके बाद DDU जो है हमारी ट्रेन रुकने वाली है और वही मेरा लास्ट स्टॉप होने वाला है, वहीं मैं ट्रेन को डिवोट करने वाला हूँ। बाकी जर्नी बहुत ही बढ़िया थी, इसको मतलब एक चीज़ है कि इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा स्लैक दिया हुआ है तो ये ट्रेन हर जगह बिफोर टाइम पहुँच जा रही है और बिफोर टाइम पहुँच करके ना मतलब बाहर आउटर पर रुक रही है जो, लेकिन कानपुर से प्रयागराज के बीच में ना ज़्यादा स्लैक नहीं था इसको, तो एकदम आराम से ही आई ट्रेन और कहीं बीच में आउटर में कहीं रुकी नहीं, सीधा
स्टेशन पे इसको एंट्री जो है वो मिल गई। तो प्रयागराज के बाद तुरंत जो है वो हम DDU पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन हमारी यहाँ पहुंची। और आज का व्लॉग जो था ना वो सच में एक सीख देने वाला था। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कभी कभी यात्रा करो, किसी ब्रिज से जाओ ना, तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखना कि अपने फ़ोन, मोबाइल, कैमरा, कुछ भी हो उसको बाहर नहीं निकालना, क्योंकि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो होते रहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।